इधर बेटा आपको, यस देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सभी को। आज की जेडीपी डिजिटल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11 में जिन बच्चों के पास इंग्लिश लिटरेचर है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनके लिए ये वीडियो है। तो हम फर्स्ट पोएम पढ़ रहे थे जिसके टू स्टेंजा कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट पोएम जो थी वो है द पीकॉक, जिसको कंपोज किया है सुजाता भट्ट ने। हम इसके दो स्टेंजास को कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब स्टेंजा नंबर आता है थर्ड। स्टेंजा नंबर थर्ड में फर्स्ट लाइन है द कैट विल, पहले लाइन देख लीजिए, द कैट विल। अब एक बार के बारे में। सेकंड स्टेंजा में 20
के बारे में जिसमें हवा की डायरेक्शन चेंज कर देती है और उनके जो हम की आवाज़ है वो जो फिर स्टॉप बंद हो जाती है। अब जो थर्ड है, तीसरा जीव का प्रयोग हुआ है, तीसरा जीव का उल्लेख हुआ है, वो है कैट। तो कैट जो है वो विल अवेकन, जग जाएगी, यानी इस प्रकार से जगेगी जब मोर आएगा उसके आने से माहौल चेंज हो जाएगा। तो जब कैट जगती है, अवेकन यानी जग जाती है, तो उसके बाद वो अंगड़ाई लेगी। स्ट्रेच का मतलब फैलाना अपने शरीर को, यानी अंगड़ाई लेगी। और बिल्ली समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, तो यहाँ पे सुजाता भट्ट के साथ साथ कौन कौन उसकी सुंदरता का प्रभाव पृथ्वी पर ले रहे हैं। सुजाता भट्ट जो कि किताब पढ़ती हुई डिस्ट्रैक्ट होती है, यानी उसका मन बदल जाता है। दूसरा तीस हम की आवाज़ वो भी, प्लस तीसरा जो कैट वो भी खड़ी हो जाती है, अंगड़ाई लेती है। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो किसी वजह से, यानी मोर समथिंग का मतलब यहाँ पे मोर यानी पिकॉक की वजह से आपका अटेंशन जो है टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट चुका है। एंड और इफ यू लुक अप इन टाइम, और जिस वजह से आपका ध्यान भंग हुआ है, आप समय रहते यदि ऊपर यानी पीपल वृक्ष की तरफ लुक अप यानी ऊपर देखते हैं पीपल वृक्ष की तरफ एंड टाइम समय रहते क्योंकि वो मोर है और शर्मीला पक्षी है तो वो उड़ जाएगा। तो समय रहते हैं तो उठते हैं देखते हैं, तो यू माइट सी, तो शायद ही आप देख पाओगे या देख सकते हो पीको टर्निंग अवे, रनिंग अवे यानी आगे बढ़ रहा है, उड़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और तेज गति से आगे बढ़ने पर एज ही गैदर्ड हिज टेल, तेजी से वो अपने पंखों को समेटता है, गैदर यानी समेटता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो अपने तेजी से अपने पंखों को समेट कर रहे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, स्टेंजा नंबर फोर, स्टेंजा नंबर फोर, स्टेंजा नंबर फोर में that are always open,
ठीक है, ये लास्ट है। इसमें देखिए टू शर्ट डोज डार्क ग्लोइंग आइज, तो यहां पे मोर की आंखों का बनाना है। तो ये डोज डार्क काली गहरी चमकती हुई आंखें वो बंद करता है, क्या करता है, मोर अपनी गहरी काली चमकती हुई आंखों को बंद करता है। वॉलेट फिंग यानी बैंगनी, वॉलेट फिंग का मतलब है बैंगनी रंग का आवरण, चमकदार बैंगनी, चमकदार बैंगनी रंग का आवरण। और विद गोल्डन एम्बर्स, विद गोल्डन एम्बर्स, गोल्डन यानी सुनहरा, एम्बर यानी पीला पदार्थ या पीले रंग का आवरण, सुनहरा चमकदार पीले रंग का आवरण। इस डार्क इट इज द टेल, ये उसकी पूंछ है, दैट हैज टू ब्लिंक, जो कि ब्लिंक करती है, ऐसा लगता है कि उसकी जो जैसे कि आपको एक मोर पंख लगाते हैं, इस प्रकार से ये मोर पंख। इसमें क्या है, कई कलर होते हैं, उनको भी ये आइस के नाम से बोल रहा है। ये टेल है उसकी, उसकी गहरी काली आंखें भी है, प्लस उसकी पूंछ के रंग वॉलेट फिंड और गोल्डन एम्बर है, ये उसकी टेल है जो कि आंखों की तरह ब्लिंक झपकती है, ब्लिंक का मतलब झपकती है। और आइज आंखों के लिए डेड आराम से ओपन, वो हमेशा खुली ही रहती है, क्योंकि वो उसके पंख, पंख जो है वो आइज के समान है, जिसकी जो आकृति है पंखों की वो उसके आइज के समान है। दोबारा देखो, बंद करते हैं वो जो काली आंखें गहरी चमकीली सुनहरे रंग पर, चमकीले बैंगनी रंग का आवरण, और वो भी सुनहरे रंगों के जैसा आवरण, ये उसकी पूंछ है जो उसको झपकना होता है आंखों की तरह, आंखों के लिए डेटाल में जो हमेशा खुली रहती है, यानी इसके पंखों की तुलना आंखों से की गई है, लेकिन आंखें फिजिकल होती हैं और वो बंद और खुली खुलती हैं, मतलब यहाँ पे जो पंख है उसके, उसकी जो पूंछ में जो पंख है वो एक आंखों की तरह है, वो हमेशा खुले ही रहते हैं। फिर देखिए मेन पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेंजर नंबर 30, स्ट्रेंजर नंबर 3 के मेन पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, स्ट्रेंजर नंबर 3 के मेन पॉइंट्स क्या क्या है, द पॉइंट इज रिफ्लेक्ट्स द इंपैक्ट ऑफ that has
पहला पॉइंट है कि द पोएटेस रिफ्लेक्ट्स द इंपैक्ट ऑफ पीकॉक्स प्रेजेंस, यानी जो कवियत्री है वो प्रदर्शित करती है मोर के उपस्थिति के प्रभाव को। दूसरा पॉइंट है एवरी क्रिएचर, जो जो भी प्राणी हैज बीन प्रेजेंटेड, उपस्थित दर्शाए गए हैं इसमें कविता में, तो वो भी क्या है, आर अफेक्टेड, वो भी प्रभावित है इसकी वजह से, मोर की वजह से उपस्थित। यहाँ तक कि जो कवियत्री है वो भी महसूस करती है डिस्ट्रक्शन, यानी अब ध्यान भटकाव को महसूस करती है तब जब अपने फेवरेट वर्क एज बुक रीडिंग यानी किताब पढ़ते हुए उस अपने डिस्ट्रक्शन को महसूस करती है। बीज हम और साउंड गॉड स्टॉप व्हेन द वाइंड हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, यानी जो बीज की जो मधुमक्खियों की आवाज है वो भी बंद हो जाती है जब वाइंड अपने डिस्ट्रक्शन यानी सॉरी डायरेक्शन को चेंज करता है, क्योंकि वाइंड के डायरेक्शन से जो मोर के आने की जाने की बैठने की उड़ने की आवाज है वो मधुमक्खियों तक पहुंच जाती है और वो भी अपने साउंड को बंद कर देती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजन नंबर 4 के due to
whatever they were doing, तो हमको नया
कार्य से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी वो कर रहे हैं वो अपना ध्यानभंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्यानभंग हो जाता है जो भी वो कर रहे थे। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे तीन लोग हैं, यानी तीन चीजें हैं। एक तो पॉइंट है खुद जो अपना फेवरेट किताब पढ़ रही है और उसमें पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से हो गई है। दूसरा बीच जो भिनभिना रही है, आवाज निकाल रही है। तीसरा कैट जो कि सो रही है या सो रही थी। ये तीनों चीज किस प्रकार से मोर की प्रेजेंस से डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो समझिए। तो मोर की प्रेजेंस से वो अपना किताब पढ़ना बंद कर देती है। कौन? विटेस। मधुमक्खियाँ भिनभिनाना बंद कर देती है। जब हवा का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी तरफ आवाज चली जाती है जिससे वो बंद हो जाती है। तीसरा कैट सोती रहती है और सोते सोते वो मोर की प्रेजेंस से उसकी नींद भंग हो जाती है और वो भी खड़ी हो जाती है, जग जाती है। उसके बाद बट दापी को एजिन हरी, फिर आप कहते हैं कि जो पिकोक है वो जल्दी में है। पिकोक क्या है? जल्दी में है। पिकोक किस में है? जल्दी में। तो पिकोक यदि जल्दी में है सो द पॉइंटर्स इज अनेबल टू वॉच हिम, इसलिए जो पॉइंटर्स है वो उसको पूरी तरह से देख पाने में अयोग्य है। तो पीपल के वृक्ष में वो बैठा हुआ है उसको पूरी तरह नहीं देख पाती। वॉचिंग पीपल शी जस्ट और अनेबल टू हिम फुली, शी जस्ट लुक्ड अप, जो कवियत्री है जो वो सिर्फ ऊपर देखती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ ऊपर देखोगे और वॉच, और क्या देखोगे? वॉच द टेल, पूंछ ऑफ पीकॉक एंड इट्स ब्यूटी, और उसकी सुंदरता। शी कंपेयर्स द टेल विद ओपन आईज एंड कलर्स, जो कवियत्री है वो तुलना करती है पूंछ की इसके साथ, खुली आंखों के साथ और उसके कलर के साथ। तो ये आपकी कविता हो गई है कंप्लीट। अब हम सबके मन में ये क्वेश्चन है कि इस प्रकार की पिकॉक के ऊपर कविता किस प्रकार से लिखी गई है, इसका पीछे रीजन क्या है। तो जो पिकॉक है, जैसे ये पिकॉक है, सबके अपने अपने अलग अलग कलर
रंग रूप हैं। हर तरीके से पहनावे में, बोलचाल में, खाने पीने में, हर तरीके से परंपराओं में, रीति रिवाजों में अलग अलग है। तो वो मोर इसका क्या है, प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, और इसी को दर्शाना चाहती है, जिसको हम इंडिया के पूरी संस्कृति को एक रूप में नहीं देख सकते, उसको एक साथ पूरे रंग रूपों को भारत के नहीं पता, क्योंकि विभिन्न प्रकार हर क्षेत्र की बोली चाल बहुत अलग अलग है, विभिन्नताओं में विभिन्नता आ जाती है। इसलिए यहाँ पर भी जो पोइटेस है वो भी मोर को एक बार पूरी तरह देखने में है सक्षम है। उसी तरह तो प्लस यहाँ पर इंडिया की इस प्रकार की जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं उनकी सुंदरता को मोर की सुंदरता के माध्यम से बताया गया है। इसका उद्देश्य अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मोर को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लेकर सब प्रकार के हमारे देश में रीति रिवाज अलग अलग प्रकार के संस्कृतियों को एक इमेज में समावेश करने की कोशिश करी है। लेकिन मोर के शरीर के रूप का वर्णन दिखने में बहुत अलग होता है, उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है एक बार में। जैसे कि इंडिया के रीति रिवाज अलग अलग जाति संस्कृति वेशभूषा बोलचाल खाना पीना ये बहुत डिफरेंट अलग अलग तरह अलग अलग संस्कृति है, उसको भी एक वन टाइम में उनको कोई भी समावेश नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर पोइटेस खुद इस बात को अपने आप को अयोग्य ठहराती है कि मैं खुद इस पूरे सुंदर पक्षी को देख पाने में, क्योंकि तो कुछ देखा है उसने, प्लस पूरी तरह देखा भी नहीं है, जितना भी देखा है उसकी वजह से सब अपने जो फेवरेट काम करते रहते हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो मधुमक्खी या फिर कोई कैट हो या फिर वो खुद गवित्री हो, सब अपने फेवरेट काम में लगे रहते हैं, वो भी अपने काम को छोड़कर मोर को देखने के लिए उसकी प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है।